Hello everyone. Hello. And welcome to our channel Shades of Megs. Aaj hai day 3. Yes. Switzerland mein. Swiss aur trip. Aaj hum ja rahe hain sabse top most jo visited destination hai aur jo sabse beautiful mountain hai jiski sab log bahut tareef karte hain ki ye sabse picturesque mountain hai aur wo hai Zermatt. Hum log ja rahe hain Zermatt aur ye kafi dur hai, around 250 kilometers 2.5 hour ki journey hai around. Some aur, kilometer to it's close. Okay. But it's a mountain drive. तो हम जा रहे हैं उधर और हम क्योंकि खुद एक माउंटेन पे रह रहे हैं तो पूरा ऑल द वे डाउन जाएंगे और फिर ऑल द वे फिर वहां से Zermatt के लिए जाएंगे और ट्रिप काफी अच्छा जा रहा है ऑफ कोर्स कुछ अप्स एंड डाउन्स थे थोड़ा वेदर का भी था थोड़े कुछ चीजें बंद थी बट इट्स ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रैवलिंग यस दैट्स व्हाट यू हैपेंस व्हेन यू ट्रैवल और Zermatt एक कार फ्री जोन है तो हम लोग एक Zermatt से पहले कार पार्किंग है वहां कार पार्क करेंगे So if you are traveling by car, you will also know where you can park the car. And from there, you will take a train for 12 minutes journey to Zermatt. हम आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन देंगे अगर आप अपनी स्विस ट्रैवल प्लान कर रहे हैं ताकि आप अपना ट्रिप आसानी से प्लान कर सकें सो नाउ लेट्स गो हम लोग का जो होटल था वो एक विलेज में था जिसका नाम है टॉर्गन ये विलेज एक माउंटेन टॉप पे था और हम जा रहे हैं टॉर्गन विलेज से Zermatt बाय कार टॉर्गन विलेज से जब Zermatt जाना है तो आपको टाइम लगेगा 1 hour 58 minutes और किलोमीटर वाइज ये 139 किलोमीटर्स की दूरी पर है आप डायरेक्ट Zermatt नहीं पहुंच सकते हैं क्योंकि Zermatt कार फ्री जोन है तो कार से नहीं पहुंच सकते तो आपको कार पार्क करना होगा ताश में और फिर वहां से आपको करनी होगी एक ट्रेन तो हम लोग हमारे होटल से डाउन द हिल आ रहे थे बट पूरा जैम हो गया क्योंकि दो गाड़ियों का एक्सीडेंट हो गया और जब तक पुलिस सब कुछ सॉर्ट आउट नहीं करेगी तब तक ट्रैफिक जैम्ड है पर आप मेरे पीछे का विलेज देखिए ये वही विलेज है जो हमारे होटल से दिखता है और ये कितना ब्यूटीफुल है आप चर्च देख सकते हैं वो चर्च है और पूरे ये विलेज है और ये फार्म्स हैं और आप ये फार्म्स देख सकते हैं ये फार्म है मुझे पता नहीं है किस चीज़ का फार्म है वैसे और जो पूरे आल्प्स माउंटेन्स दिख रहे हैं पीछे वो कितना सुंदर दिख रहा है एक्चुअली स्विट्ज़रलैंड को कहा जाता है कि आप कभी भी बैड फोटोग्राफर नहीं हो सकते स्विट्ज़रलैंड में आके क्योंकि आप बैड पिक्चर्स खींच ही नहीं सकते इतना सुंदर है अगर आप स्विट्ज़रलैंड ट्रेन से घूम रहे हैं और Zermatt पहुँचना चाहते हैं तो वो भी बहुत आसान है आप स्विट्ज़रलैंड की कोई भी मेजर सिटी से Zermatt आसानी से पहुँच सकते हैं आप Zurich, जिनेवा या बर्न तीनों सिटी से वहां पहुंच सकते हैं अगर आप Zurich से पहुंचना चाहते हैं तो आपको लगेंगे 3 hours 12 minutes और अगर आप जिनेवा से पहुंचना चाहते हैं तो आपको लगेंगे 3 hours 31 minutes और अगर आप बर्न जो कि स्विट्जरलैंड का कैपिटल है वहां से पहुंचना चाहते हैं तो आपको लगेंगे 2 hours 8 minutes तो आप किसी भी जगह से Zermatt पहुंच सकते हैं हाँ आपको ट्रेन के टिकट्स बाय करने पड़ेंगे या आपके पास स्विस पास होना चाहिए अगर आपको स्विस पास के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैंने उसका वीडियो ऑलरेडी बना रखा है और उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मेंशन कर दूंगी तो आपको उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आप Zermatt ग्लेशियर एक्सप्रेस से भी पहुँच सकते हैं और ग्लेशियर एक्सप्रेस में बैठने के लिए आपके पास होना चाहिए स्विस पास और उसके अंदर होनी चाहिए सीट की रिजर्वेशन भी तो अब हम लोग पहुंच गए हैं ताश ये आखिरी टाउन है Zermatt से पहले जिसे आप कार से पहुंच सकते हैं Zermatt जैसे कि मैंने बताया था एक कार फ्री जोन है तो आपको अपनी कार यहीं पे पार्क करनी होगी और फिर यहां से आप शटल से Zermatt जा सकते हैं तो हम लोगों ने कार पार्क कर दिया है और ट्रेन स्टेशन वो है 12 मिनट्स में ट्रेन आने वाला है और इस मशीन से हम ट्रेन का टिकट्स निकाल सकते हैं तो इंग्लिश ऑप्शन बाय टिकट्स Thank you.
तो हम आ चुके हैं इस ट्रेन के अंदर, ये ट्रेन जाएगी जर्मट टाउन तक और 12 मिनट्स का डिस्टेंस है और फिर वहाँ से हम जाएंगे अप द माउंटेन और बहुत छोटी सी ट्रेन है, फुली कनेक्टेड है, फुली कनेक्टेड है, यहाँ तक आराम से जा सकते हैं और अब हिल रही है बट इट्स फन स्विस ट्रेन में, अल्टीमेटली हम लोग वापस बैठ ही गए। तो अब हम लोग आ चुके हैं जर्मट और ये कितना ब्यूटीफुल सा टाउन है और हम जा रहे हैं टूरिस्ट ऑफिस पता करने के लिए कि आगे कैसे जा सकते हैं। टूरिस्ट ऑफिस जस्ट स्टेशन के बाहर ही है, तो हम लोगों ने टूरिस्ट इंफॉर्मेशन में पता किया है और हम जा रहे हैं इधर माथेरॉन ग्लेशियर पैराडाइस। अभी हम यहाँ पे हैं और पूरा अक्रॉस द, जब इस टाउन के अक्रॉस जाएंगे तो यहाँ जाके केबल कार मिलेगा और उस केबल कार से फिर हम यहाँ पे जा सकते हैं माथेरॉन ग्लेशियर पैराडाइस पे। और भी बहुत सारी जगह है, आप इंफॉर्मेशन टूरिस्ट सेंटर पे जाके और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जर्मट एक छोटा पर बहुत ही फेमस टाउन है। ये है तो स्विट्जरलैंड में पर ये इटली को बॉर्डर करता है और यहाँ इटालियन नहीं बोली जाती पर स्विस जर्मन बोली जाती है। स्विट्जरलैंड की ऑफिशियल करेंसी है स्विस फ्रैंक और यहाँ भी स्विस फ्रैंक ही चलते हैं। जर्मट के चारों तरफ माउंटेन रेंजेस हैं। जर्मट एंड मैटरहॉर्न आर नॉट सेम। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैटरहॉर्न और जर्मट एक ही जगह है। मैटरहॉर्न एक माउंटेन है जो कि जर्मट के टाउन पे लोकेटेड है। तो अब क्वेश्चन आता है कि इस ब्यूटीफुल टाउन जर्मट में आप कहां रुक सकते हैं। एक्चुअली जर्मट में प्रॉब्लम रुकने का नहीं पर चूज करने का है। यहां पे इतने सारे वंडरफुल ऑप्शंस अवेलेबल हैं होटल्स और हॉस्टल्स दोनों के ही। आप booking.com की वेबसाइट पे जा सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली एक सूटेबल ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। जर्मट विलेज एक पिक्चर परफेक्ट विलेज है। यहाँ के वुडन हाउसेस, रेस्टोरेंट्स और शॉप बहुत ही इंस्पायरिंग है। आप स्विट्जरलैंड में अगर आ रहे हैं तो जर्मट को अपने इटिनरी में जरूर ऐड करिए। आप मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। मेरा हैंडल है शेड्स ऑफ मैक्स SHADEZ। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।